पादरी आस्ताना सलामत रहे। कुछ नहीं होता
तकदीर लाए और हम अपने दिल में अपने पीर की तस्वीर लाए, हम अपने दिल में अपने पीर की तस्वीर लाए हैं। भाई मदीने जाने का तो हर किसी का अरमान रहता है, लेकिन यहाँ पैसे का काम नहीं है, जिसके हुक्म होता है वो ही जाता है। खुदा शायद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। कुछ ऐसी भीड़ लग जाती है शायद के रोने पर, हवा को रास्ता मुश्किल से मिलता है मदीने में, हवा को छूटी उल्फत से, अरे अहबाब की छूटी उल्फत से तंग आए तो नफरत कर बैठे, तंग आए तो नफरत कर बैठे। नफरत कर बैठी साथी है जमाना मतलब का, ये दिल को नसीहत कर बैठी, बरफ दिए जज्बात वही और तर्क मुरव्वत कर बैठे। अरे दुनिया के ताल्लुक जितने थे हम सबसे बगावत कर बैठे, सरकार मदीने बुलवालो सरकार मदीने।
आज दुआ मांग लो जिसको जाना है, ऐसे आस्थाने पे बैठे हो। बुलवा लो हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, तुमसे मोहब्बत कर बैठे जिनके दिल में। अब्दुल रहमान साहब जरा शेर पे मिसरे पे तवज्जो के साथ, क्योंकि अभी आपने इतनी हसीन बात कही थी, मैं देख रहा था कि हजरत के चेहरे पे माँ का हकीकत। बात तो ये है कि माँ बाप दुनिया में हर चीज मिल जाती है, माँ बाप नहीं मिलते। शेर सुने, इंशाल्लाह आज मैं आप तक पहुंचा हुआ, मेरी माँ बहनें भी आई हैं, इंशाल्लाह बेफिक्र रहे। जिनके दिल में शहे कौनैन की चाहत होगी वो गुनाहगार भी होंगे तो शफावत होगी। देख लेना सरे हश्र खुदा वालों को, कमली वाले का करम होगा तो इनायत होगी। कमली वाले का करम होगा तो इनायत होगी। या नबी आपके जो चाहने वाले होंगे वो न देखेंगे कर मदीना तो कयामत होगी। हम तुमसे मोहब्बत उठना सका।
इबादत कर बैठेगी। आखिरी मिसरा लगा रहा हूँ, कुछ ऐसी इबादत कर बैठेगी, याद रखिएगा। था माविया के बाद, था माविया के बाद खिलाफत का एक सवाल, बोले हुसैन लेगा खिलाफत है क्या मजान, बोला यजीद मेरा ये हक मुझको मिलेगा, बोले हुसैन ऐसा हुआ तो खून बहेगा, बोला यजीद बनता है अब कौन ताजदार, बोले हुसैन बकता है तू ए नाबकार, सर जाएगा घर जाएगा पर ये नहीं होगा, कुर्बान अपनी आल पर होगा हर एक बच्चा। आखिर हुआ ये जंग के सामान हो गए, उम्मत के बख्शवाने को कुर्बान हो गए, किस शान से दी जान के दो आलम भी कांप उठे, यानी वक्ते नमाज़े ज़ोर था अरे सजदे में जब गए फिर उठना सका सर सजदे से। या मेरे मुर्शिद निस्बत ने आपकी मुझे सब कुछ अदा किया, अदना गुलाम था मुझे सुल्तान बना दिया। ये बज़्मे कायनात सभी जग मगा उठे, मेरे सनम ने जब भी कभी मुस्कुरा दिया। ये चीज हकीकत है कि यहाँ हम आते हैं, अल्लाह का करम है बगदल की सरजमी पर, यहाँ पे आने के बाद अलग ही एक नूरानी माहौल दिखता है। ये इंडिया की मैं पहली महफिल ऐसी कहूंगा, क्योंकि हर जगह गाता हूँ, लेकिन जहाँ इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर बरसाया। जरा सुने सरकार, थोड़ी माशाल्लाह बड़ा हसीन है मेरे भाई, ये जो यार ये इसको रोको, जरा वॉल्यूम बढ़ा कर रखो। भटकता फिर रहा है किस लिए दर दर जमाने में, झुका दे सर के है नूरे खुदा
इस आस्ताने में झुका दे सरिया के नूरे खुदा, इस आस्ताने में के हबीब आके बिछा, इसको बड़ी सरकार कहते हैं, तेरे मुर्शिद कदर है इसे कादर का दरबार कहते हैं, तेरे मुर्शिद कदर है इसे कादर शाह का दरबार कहते हैं। तू दस्ते ऐ ज़दी फैज, तू फैज़े सरमदी, शाने तू शाने ऐ दरी, या मेरे मुर्शिद कादर है दरी, तेरा नूर। तेरा नूर नूरे मोहम्मदी, तेरा नूर नूरे मोहम्मदी, तेरा नूर नूरे मोहम्मदी, तेरा नूर नूरे मोहम्मदी, तू सारा सीरते है दरी, तू सारा पसीरते है दरी, तेरा नूर।
छोटा शेर दे रहा हूँ आप लोगों को देखते हुए, लेकिन इस शेर पर आप लोग मेरे साथ होंगे। जो मैंने यहाँ देखा कहीं नहीं देखा, कोई और तुझसा सखी नहीं, दिखाओ ना Oh,
सुजागत तेरे घर की है, अदालत तेरे घर की है, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत भी तेरे घर की है, हदी है तीनों दुनिया की दौलत तेरे घर की है, लेकिन मैं ताजो तब तो हुकूमत नहीं मांगता, हूरों गिलमार जन्नत नहीं मांगता, मेरे मुर्शिद में दौलत नहीं मांगता, मेरे मुर्शिद में दौलत नहीं मांगता। अरे मुझे तो दे दे सिर्फ तू कादर शाह का सदका, क्योंकि तेरे घर में सरकार के दीवाने हैं, हल्का हल्का दो, जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये मोहब्बत ही तो है, अब जरा सुनिएगा, क्योंकि सरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, परवरदिगार आलम को कि नबूवत तो खत्म, लेकिन विलायत कयामत तक रहेगी, अब जरा शेर सुनिएगा। दिल का
कातर शवली हो तेरा नाम लेता हूँ इसलिए नाम लेता हूँ इसलिए इसी नाम पर है गुजर मेरी सुने। कल दीवानगी के ऊपर बात हुई थी, आज की बात जरा ध्यान रखिएगा। सुने हेलो हेलो ये बताइए इस आस्ताने से हकीकत बताना और जिसको हाथ नहीं उठाने वो ना उठाए। इस आस्ताने से किस किस की तकदीरें बनी है जरा हाथ उठाकर देखा। ठीक है, अब ये मतला याद रखिएगा आप लोग जो मैं मतला देने जा रहा हूं। सुने हेलो हेलो चैन तुमसे करार तुमसे है जिंदगी की बहार तुमसे दुनिया में हंसी है लाखों मगर मैं क्या करूं मुझको प्यार तुमसे दिल फिगार को दे
बादशाह तेरे इंतजार को दे दी। नींद जितनी मिली थी आंखों को वो सब तेरे इंतजार को दे दी। कादर ने अपने मस्तों की इतरी शाह ने अपने मस्तों की कादर शाह ने अपने मस्तों की कादर शाह ने अपने मस्तों की जन्नत है बनाई।
अपनी आंखों को देती है दिखाई शाहाने जमाना भी आकर सुनते हैं झुकाते पेशानी शाहाने जमाना भी आकर। ये इसलिए झिझक रहा है ये बच्चा क्योंकि अभी ये बिल्कुल न्यू आकर लिए दिया है, इसलिए देखो ऐसे सुनते हैं झुकाते पेशा बिगड़ी है बनाई पागल में तकदीर के मारो ने अपनी बिगड़ी है बनाई पागल में तकदीर के मारो ने अपनी बिगड़ी है बनाई तकदीर के मारो ने अपनी बिगड़ी है बनाई तकदीर के मारो ने अपनी ये सच है दयारे कादर शाह में क्या ये सच है दयारे कादर शाह में छाई है घटाए रहमत की। ये सच है दयारे कादर शाह में अरे ये सच है दयारे कादर शाह में छाई है घटाए रहमत की। अब नूर किरम झिम बारिश में अब नूर किरम झिम बारिश से हर शह नहाई नूर किरम शहर हर शहर
इसके बाद मैं आता हूँ, ठीक है? वल साहब, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह है, इनका लकब दुतियात हिंद है और उनका कलाम बहुत कठिन है। डगर पनघट की कहाँ से भर लाऊं मधवा से मटकी, बुलबुले हिंद हजरत अभी पेंटर का कलाम है, दो मिसरे सुनाएंगे। जरूर जरूर जरूर, लीजिए बैठे जरा। हिंदुस्तान गया, पूरी दुनिया के अंदर जो मेरे दादा को बुलबुले के खिताब से नवाजा गया, सुने। हेलो हेलो हेलो, डगर में गैल चलत दो वीर। ये सईद भाई, हाँ, पग पग पर बरछी लागे तो सास सास पर दी, प्रीत करे ना ऐसे से कि जैसे लंबी खजूर भाई चले सो प्रेम रस लगे गिरे तो चकना चूर। अच्छी बहुत कठिन है, 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 डगर पनघट की, बहुत कठिन है, डगर पनघट की, डगर पन पनघट की, डगर पन। सीटी रोक लो। मधवा से मटकी, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, बहुत ही कठिन है डगर पर माशाल्लाह। आपको तो इंस्टाग्राम पूरी दुनिया के अंदर, अभी आपको अवार्ड मिला वो भी देखा हम सब लोगों ने, लेकिन ये मिसरे दे रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं सरजमीन हमारी नहीं है, अब देखिए हम इससे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप लोगों की मुझे साथ चाहिए शेर पर। अब जरा सुने कौन सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है इस सरजमीन से। हिंदुस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं, हिंदुस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं, और कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ असली जमींदार हम ही तो हैं, क्योंकि बगदल वाले हैदराबाद वाले हैं ये कभी नहीं चूकते।
हिंदोस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं, और कब्रों से पूछ असली जमींदार हम ही तो हैं। वो औरतें जो चल के गंगा में बह गए, अरे मिट्टी में मिलके मिट्टी के हकदार हम ही तो हैं। बहुत ही क्योंकि बहुत लंबी है, अब मेरा भाई पढ़ेगा। हरम और दहर के झगड़े कहां तक कोई सुलझाए, जिसे हर तरह फुर्सत हो वो इस मैदान में आए। क्योंकि न इनकी मंजिलें सीधी, न इनका रास्ता सीधा, इधर पत्थर का पूजन है तो इधर है मतलबी सजदा। ये है मंदिर का शहनाई, ये है मस्जिद का दिलदादा, इसे है स्वर्ग का लालच, ये है जन्नत का मतवाला। इधर वीणा हूँ मैं चक्कर, इधर वीणा हूँ मैं चक्कर, इधर काशी में है पत्थर तो इधर काबे में है पत्थर। इधर पत्थर का पूजन है तो इधर पत्थर को बोसा है। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। इधर पंडित तकड़ते हैं कि वो काशी में रहता है, इधर है शेख जी नाना कि वो काबे में रहता है। जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह, जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह और ईश्वर कैद शिवालन में, हुजूर स्वर्ग पे कब्जा पंडित जी का और जन्नत अल्लाह वालन में। अरे राम की पड़ गई खींचा तानी, राम फंसे जंजालन में। बहुत कठिन है।